हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। माई सेल्फ राहुल फ्रॉम लखनऊ, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप सब कैसे हैं? दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो रेड बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपडेट करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको हर दिन मिल सके। मेरे साथ मेरी स्टूडेंट है, मैं उनका नाम जान लेता हूँ। क्या नाम है, कौन सा डे है, क्या कॉन्फिडेंस और कहाँ से आते हैं? हेलो गुड इवनिंग, क्या नाम है आपका? ओके, मैं विकास नगर से आती हूँ। आज मेरा सेकंड डे है। सेकंड डे, इससे पहले कभी कोई कार चलाई आपने? कोई नहीं चलाई। अभी कौन सी कार से सीख रही हैं आप? अभी हम सेंट्रो, हुंडई की सेंट्रो। ओके, पावर स्टीयरिंग पावर ब्रेक, ठीक है। तो आपने कल क्या क्या सीखा? कल हमने फर्स्ट और सेकंड गियर में गाड़ी चलाना सीखा है। फर्स्ट और सेकंड गियर में कार को रोकना और चलाना, कंट्रोल करना सीखा और थोड़ा सा स्टीयरिंग का कमांड सीखा, ठीक है। आज भी हम लोग फर्स्ट और सेकंड गियर के ही बारे में सीखेंगे। फर्स्ट और सेकंड गियर में कार को कंट्रोल करना, टर्निंग पॉइंट्स हैं कि गलियों में, छोटी छोटी गलियों में स्टीयरिंग को कैसे घुमाना है, कैसे सीधा करना है, ये सारी चीजें हम सीखेंगे। क्योंकि सीधा सीधा चलाना कोई कमाल नहीं होता है, कॉन्फिडेंस जो गलियों में ही आता है। आपको स्टीयरिंग को रोटेट करना, सीधा करना, कितनी गाड़ी का हिस्सा आगे निकलने के बाद वापस स्टीयरिंग सीधा करना, बोनट को कैसे देखेंगे, साइडों को कैसे देखेंगे, ये सारी चीजें गलियों में हमें सीखने को मिलती है, ठीक है। अभी आप रेडी हैं? जी सर। ये स्लीपर हटा दीजिए, इसमें ग्रिप नहीं बनती है। अब क्लच दबा के चेक करिए जरा, एक दो बार क्लच दबा के चेक करो आपका पैर कंफर्टेबल है। पूरा फुल क्लच दबा के चेक करो। जब क्लच को आप रिलीज करेंगे तो हील आपकी हवा में नहीं आनी चाहिए ताकि इक्वल प्रेशर पड़े और झटके से क्लच ना छूटे। आपकी सीट आपके हिसाब से ठीक है? हाँ। चलो अभी राइट वाले आरबीएम को एक बार चेक करो, दिख रहा है प्रॉपर? राइट वाला साइड मिरर एक बार चेक करो। हाँ। दिख रहा है? और ये लेफ्ट वाला? हाँ। ठीक है। और ये लुकिंग ग्लास, इन तीनों साइड मिरर, लेफ्ट और राइट साइड मिरर और ये लुकिंग ग्लास, इनको सेट करने के बाद ही गाड़ी को बढ़ाना है आपको, ठीक है। अभी एक दो बार क्लच को दबाना छोड़ना, एक्सीलेटर से ब्रेक, ब्रेक से एक्सीलेटर थोड़ी प्रैक्टिस कर लो ताकि आपका थोड़ा पैर मूवमेंट में आ जाए, ठीक है। अभी डिस्प्ले में देखो एक साइन आ रहा है। हाँ, अभी हैंडब्रेक अनलॉक करो, यहाँ से हैंडब्रेक अनलॉक करो। हाँ, नीचे ऊपर उठा के बटन नीचे ले जाना है। हाँ, अभी क्लच दबा के फर्स्ट गियर डालो। वेरी गुड। अभी राइट का सिग्नल दो आप नीचे को। अपने राइट वाले आरबीएम को चेक करो ताकि आपको श्योर हो जाए, कंफर्म हो जाए कि आपके बगल में कोई गाड़ी या बाइक या स्कूटी तो नहीं आ रही, ठीक है। अभी हाफ क्लच छोड़ना है, फुल नहीं, सिर्फ हाफ क्लच, बस इससे ज्यादा नहीं। हल्का राइट दबाओ, हल्का सा राइट। हाँ, अभी सीधा चलना है, इस गली से नहीं, अगली गली से लेफ्ट लेना है। अभी स्टीयरिंग सीधी करो, वापस लेफ्ट आओ हल्का। हाँ, क्लच को फ्री करो, हल्का लेफ्ट आओ, हल्का सा लेफ्ट आओ, लेफ्ट। हाँ, हमें सीधा चलना है, पूरा क्लच देन ब्रेक। चलो जाओ, वापस ब्रेक छोड़ो, फिर क्लच छोड़ो। चलो, घबराना नहीं, डरना नहीं है, चलो चलो। हाँ, अब सिग्नल बंद कर दो, ऊपर को, ऊपर को, हल्का सा ऊपर को, ऊपर, वापस लेफ्ट आओ, लेफ्ट। अभी लेफ्ट का सिग्नल दो ऊपर को, क्योंकि रोड पे अभी ट्रैफिक बहुत है, डे सेकंड है आपका ना, तो उस हिसाब से भी रोड पे आप पैनिक हो जाओगे। तो अभी गलियों में एक दो दिन चलाना है ताकि थोड़ा सा आपको चीजों को समझ में आना है, चीजें समझ में आ जाए और हमें क्या करना क्या नहीं करना, ये सारी। अभी इसी गली में आपको लेफ्ट चलना है, इतना गाड़ी का हिस्सा आपका निकलने के बाद वापस आप स्टीयरिंग को राउंड करेंगे। अभी स्टीयरिंग घुमाना स्टार्ट करो, और घुमाओ, और हाँ, अभी सीधी करना स्टार्ट कर दो, आधी गाड़ी सीधी करो। स्टीयरिंग सीधी नहीं हुई, सीधी नहीं हुई, अब सीधी हुई है। डेढ़ राउंड होते हैं इसमें, ठीक है, वन एंड हाफ राउंड, एक राउंड और हाफ राउंड। डेढ़ राउंड में पूरा 90 डिग्री से स्टीयरिंग घूम जाता है। तो जब गाड़ी का हिस्सा थोड़ा सा आगे निकल जाए, आधे रोड को क्रॉस कर जाए, उसके बाद राइट रखो, हल्का राइट था। और स्टीयरिंग को हमेशा 3 और 9 बैलेंस, जो वॉच टाइम होता है 3 और 9, उससे क्या है ना कि अगर हल्का सा भी आप स्टीयरिंग लेफ्ट घुमाओगे, देखो स्टीयरिंग, तो आपके हाथों से आइडिया लग जाएगा कि आपका स्टीयरिंग टेढ़ा है या सीधा है। अभी फर्स्ट गियर में आप चल रहे हो, कोई एक्सीलेटर की नीड है नहीं, नहीं। गाड़ी में एसी भी चल रहा है फिर भी गाड़ी बंद नहीं, नहीं हो रही, हालांकि एसी पे थोड़ा आरपीएम बढ़ जाता है, ठीक है। अभी हल्का सा लेफ्ट आओ, लेफ्ट लेके आओ गाड़ी अपनी, नहीं जाना हमें राइट है, कर्ब लेके टर्न करना होता है, हल्का सा लेफ्ट दबा के, ताकि जो आपकी पिछला हिस्सा गाड़ी की डिग्गी वो टकराए ना। अब राइट टर्न करो, बस इससे ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा नहीं, थोड़ा सा और राइट घुमाओ, थोड़ा सा, थोड़ा सा। तो आपने देखो यहाँ ब्रेक लगाया बट क्लच तो नहीं दबाया ना। हाँ। खाली ब्रेक कभी नहीं लगाना होता, पहले पूरा क्लच फिर धीरे से ब्रेक। जब भी आप गाड़ी को रोकोगे, हाँ, किसी भी उसमें कंडीशन में, फर्स्ट और सेकंड गियर में, तो पहले आपको पूरा क्लच दबाना, क्लच से इंजन कंट्रोल होता है, ब्रेक से गाड़ी कंट्रोल होती है, तो आपको पहले यहाँ पे इंजन कंट्रोल करना है। 80% न्यू बिगिनर यही करते, वो ब्रेक लगा देते, गाड़ी का इंजन बंद हो जाता है। पर यहाँ पहले हमें इंजन के कमांड को कंट्रोल करना है ना,
तो वो क्लच से कंट्रोल होता है। अभी पूरा क्लच दबाओ, इंजन ऑन करो। अब पहले ब्रेक को फ्री करो और हल्का सा स्टीयरिंग राइट घुमाओ। अब हाफ क्लच छोड़ना, फुल नहीं, हाफ। चलो राइट घुमाओ स्टीयरिंग और घुमाओ। नहीं घुमा ही नहीं रहे हो आप। सीधी करो, वापस सीधी करो फटाफट, जल्दी जल्दी और जल्दी जल्दी। आप स्टीयरिंग क्यों देखने लगती हैं? लेफ्ट आओ, लेफ्ट लेफ्ट। सीधी रखो स्टीयरिंग, सीधी रखो सीधी। आप स्टीयरिंग क्यों देखने लगते हो? स्टीयरिंग देखने से थोड़ी पता चलेगा। आप रोड पे देखिए, रोड पे देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि गाड़ी का बोनट किधर जा रहा है, लेफ्ट जा रहा है राइट जा रहा है, गाड़ी टेढ़ी है सीधी है। स्टीयरिंग देखने से तो कभी भी आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, समझ रहे? तो रोड पे देखिए और जितना दूर देखेंगे उतना ज्यादा आपको समझ में आएगा। अभी आप फर्स्ट गियर में चला रहे हो तो यहाँ स्पीड की कोई जरूरत नहीं। अभी लेफ्ट का सिग्नल दो ऊपर को, हाँ, और इतना हिस्सा जब गाड़ी का निकल जाए उसके बाद स्टीयरिंग घुमाना स्टार्ट कर देना है आपको, ताकि रैंप में ना टकराए। अभी और जाने दो, अब स्टीयरिंग घुमाना स्टार्ट करो। बस बस, इससे ज्यादा नहीं, अभी नहीं अभी नहीं, अभी गाड़ी आगे बढ़ने दो। अब सीधी कर लो, बस हल्का सा लेफ्ट आ जाओ। लेफ्ट आपका और राइट आपका। हल्का सा लेफ्ट आने का मतलब है थोड़ी सी गाड़ी साइड करनी है। राइट या लेफ्ट टर्न करने का मतलब है बिफोर मैं 50 मीटर 100 मीटर पहले आपको गाइड करूंगा। हल्का सा लेफ्ट आओ क्योंकि बीच रोड पे हम नहीं चला सकते। अब हल्का राइट रखो और राइट थोड़ा, बस। अब रुको, पूरा क्लच और ब्रेक, स्टॉप, पूरा क्लच दबाओ, फुल हो गया। अब अपने लेफ्ट वाले धीरे धीरे गाड़ी को बढ़ाना। देखो ये 800 खड़ी है, 800 से और आपकी गाड़ी के बीच का जो डिस्टेंस है करीब 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 अभी 6 इंच का है। अभी आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा है, अभी थोड़ा सा गाड़ी आगे बढ़ाओ। पहले ब्रेक छोड़ो, ब्रेक पे सही से मैडम पैर रखा करो, पूरा टो होना चाहिए, खाली अंगूठा नहीं रखना है, ठीक है? ये पॉइंट होना चाहिए जो अभी आपका है। अभी हाफ क्लच छोड़ो, बस पूरा क्लच दबा लो, वापस स्टॉप, बस। अब आप इस लेफ्ट वाले आरबीएम को चेक करो, आपको क्या लग रहा है कितना स्पेस है? 6 इंच, थोड़ा सा, हाँ 6 इंच वहाँ अब ज्यादा लग रहा है ना, क्योंकि गाड़ी आपको 800 को क्रॉस कर चुके हो। जब मैंने गाड़ी रुकवाई थी वहां पे आपकी गाड़ी में बस इतना गैप था, आपकी गाड़ी की बॉडी से और 800 की बॉडी से बस इतना गैप था, ठीक है? अभी आप वापस ब्रेक को रिलीज करो और धीरे से हाफ क्लच। ब्रेक को रिलीज करने का मतलब है पैर आपका वही रहेगा, पैर वही रहेगा बट ब्रेक दबा नहीं। और हल्का सा लेफ्ट आओ, वापस पूरा क्लच दबाओ और हल्का सा ब्रेक लो। क्लच आप ऐसे दबाएंगे जैसे आप फुटबॉल में कीक मारती हैं, दबाना एकदम से क्लच है, नहीं तो फिर पूरा क्लच अंदर तक नहीं जाएगा तो पूरा क्लच नहीं दबेगा। छोड़ना धीरे धीरे है और ब्रेक को दबाना धीरे धीरे है, छोड़ना एकदम से, दोनों अपोजिट है, ठीक है? अभी ब्रेक को फ्री करो, अब हाफ क्लच छोड़ो, एड़ी को नीचे दबा के रखना, फिर वापस पूरा क्लच, हल्का सा ब्रेक, हल्का सा। आप अंगूठे से दबा, अंगूठे के साथ फिंगर होना कंपलसरी है, फिंगर होना तभी उसको टो कहा जाएगा। आप खाली ऐसे अंगूठा रखोगे स्लिप कर जाएगा, ठीक है? अभी ब्रेक को फ्री करो, हाफ क्लच छोड़ो, राइट का सिग्नल दो नीचे को और अपने राइट वाले आरबीएम को चेक करो। आधी गाड़ी क्रॉस होने के बाद एक पूरा राउंड घुमा देना, अभी नहीं, अब पूरा एक राउंड घुमा दो स्टीयरिंग का, बस होल्ड कर दो इतनी देर, गाड़ी रुकी रहने दो। अब वापस एक राउंड सीधा कर दो, आपने थोड़ा गड़बड़ किया, फिर स्टीयरिंग आपने यहां देखा। मैडम स्टीयरिंग देखोगे तो आपको दिक्कत, अब देखो पूरी गाड़ी आपकी रॉन्ग साइड चली गई स्टीयरिंग देखने के चक्कर में। गाड़ी के अंदर गाड़ी चल रही है या रोड पे चल रही है? तो आप स्टीयरिंग क्यों देख रही हैं बार बार, जब मैं आपको मना कर रहा हूँ स्टीयरिंग देखने के लिए? क्योंकि आपको रोड पे देखना है भाई। स्टीयरिंग देखने के चक्कर में आपकी गाड़ी लेफ्ट राइट लहरा जा रही है। चलो अभी ब्रेक को फ्री करो, हाफ क्लच छोड़ो। जो आपको मैं टिप्स बता रहा हूँ ना स्टीयरिंग को कंट्रोल करने का, एकदम सटीक है। सीधा चलना है ना, हाफ क्लच में, फुल नहीं। अभी मैं जब बताऊंगा कितना स्टीयरिंग घुमाना और कितना सीधा करना, इस चीज को आप समझ लो बस। अभी लेफ्ट का सिग्नल दो, ठीक है, जाने दो। अभी जब आपका लेफ्ट वाला वो आरबीएम पूरा क्रॉस कर जाए, अभी आप सीधे ही जाने दो, गाड़ी को सीधा जाने दो, ठीक है? अब आप एक राउंड पूरा घुमा दो फटाफट, बस होल्ड, इतने पे गाड़ी होल्ड रहने दो। अभी नहीं, अब सीधा करो फटाफट जल्दी जल्दी, बस हो गया, जाने दो एकदम सीधा जाने दो। हल्का राइट रखो, बस हल्का सा राइट, हल्का सा, हाँ, और लेफ्ट आओ थोड़ा सा। अब देखो चक्कर होता है क्या है ना, कि जब आप स्टीयरिंग घुमाए, आपने पूरा 100 फटाफट एक राउंड घुमाया, घुमा दिया, अब उसके बाद गाड़ी को थोड़ा सा आगे बढ़ने दो। जब गाड़ी थोड़ी आगे बढ़ गई उसके बाद आप वापस एक राउंड सीधा कर दो,
आपको एक राउंड घुमाने में कितना समय लगेगा, 1 से 2 सेकंड, और सीधा करने में दिक्कत कहाँ आती, आपने एक राउंड घुमाने के चक्कर में आधा घुमाई रुक गई, फिर घुमाई खूब रुक गई, तो उसके बाद तो गाड़ी तो बढ़ी रही ना, तो फिर वो होगा नहीं। सटीक जजमेंट है टर्निंग पॉइंट पे सीखने के लिए बहुत आसानी से आपको ये चीज समझ में आ जाएगी कि स्टीयरिंग का कमांड कैसे आना चाहिए। कुछ लोग ज्यादा स्टीयरिंग घुमा देते हैं तो पूरी गाड़ी लेफ्ट साइड चली जाती है। अब लेफ्ट का सिग्नल दो आप, मैडम लेफ्ट का, अब ध्यान दीजिएगा इस बार, अब एक राउंड पूरा घुमा दो फटाफट, बस वेट, अब गाड़ी पहले सीधी होने दो, अभी जाने दो गाड़ी, और अब सीधा कर लो एक राउंड, बस ये चीज, एक राउंड पूरा घुमा दो। टर्निंग पे देखो, यूटर्न पे पूरा 1.5 राउंड घुमाना होता है, इन सब टर्निंग पे एक राउंड में काम चल जाएगा आपका। यहां से फिर लेफ्ट जाना है हमें, और जो ये मैंने बताया ना लेफ्ट वाला आरबीएम क्रॉस करने के बाद आप जब टर्न करोगे तो उतनी ही जगह स्पेस होता है, अभी नहीं। अब घुमा दो एक राउंड पूरा, थोड़ा जल्दी सीधा कर दिया आपने जिसकी वजह से राइट चली गई। जब गाड़ी आपकी आधा रोड क्रॉस कर जाए उसके बाद स्टीयरिंग को सीधा करना होता है। आपने थोड़ा पहले किया तो आपकी आप राइट साइड चली गई। भाई साइड आपकी कौन सी, लेफ्ट है राइट है, हॉर्न दीजिए हल्का, राइट को राइट, हाँ राइट 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 राइट, नहीं छीटे आएंगी गाड़ी में। अभी आप क्लच क्यों नहीं रिलीज कर रही, पूरा क्लच क्यों दबाई, लेफ्ट आओ लेफ्ट लेफ्ट, अभी देखो बाइक में टकरा जाती है आपकी गाड़ी बाइक में, क्योंकि आपने राइट बहुत ज्यादा सटा दिया, और हमारी साइड कौन सी है, जब ईटों को क्रॉस किया था आपने उसके बाद आपको लाइन चेंज कर लेनी थी, हल्का लेफ्ट आओ बस, अभी यहाँ पे पूरा क्लच देन ब्रेक स्टॉप, अब गियर को न्यूट्रल करो, हो गया, सिंपल होता है। देखो इतनी ताकत और इतना दिमाग नहीं लगाना, ये देखो पहला गियर था, जिस डायरेक्शन में जाओगे उसी में वापस आओगे, न्यूट्रल हो गया, ये पहला गियर था इसी डायरेक्शन में वापस आके न्यूट्रल हो गया, ये दूसरा गियर था इसी डायरेक्शन में वापस आके न्यूट्रल हो गया, ये थर्ड गियर है न्यूट्रल हो गया, ये फोर्थ गियर है ये न्यूट्रल हो गया, ये फिफ्थ गियर है न्यूट्रल हो गया, ये रिवर्स गियर है न्यूट्रल, जिस डायरेक्शन में आप जाओगे। अब आप ऐसे खींच रहे थे, यही तो किया था, तभी तो भाई गलत डायरेक्शन, आप बैठे इस दरवाजे से तो जाओगे तो भी इसी दरवाजे से, मेरी गोद से थोड़ी निकलोगे। तो ये इसका पैटर्न जो है बहुत ईजी है, बस इसको समझना है। इसमें देखो रो देख रहे हो, ये फर्स्ट और सेकंड का डायरेक्शन है, ये थर्ड और फोर्थ का डायरेक्शन है, ये फिफ्थ और रिवर्स का डायरेक्शन है, तीन लाइनें अलग अलग हैं, ठीक। अभी आप फर्स्ट गियर डालो बस, अब उसी डायरेक्शन में न्यूट्रल करो, उधर ही दबा के पीछे खींचो हल्का, बस हो गया। अब सेकंड गियर डालो, ये फोर्थ डाल दिया आपने, ये सेकंड है, फिर न्यूट्रल करो, अब छोड़ ज्यादा ताकत लगा, अब छोड़ दो, जिस जगह ये रुक गया अगर अप करोगे तो थर्ड लगेगा, फोर्थ, और डाउन करोगे फोर्थ लगेगा। अभी फर्स्ट गियर डालो, हाँ मिडिल में है, अभी फर्स्ट गियर डालो बस। अब पहले ब्रेक को फ्री करो, फिर अपने राइट वाले लेफ्ट वाले आरबीएम को देखो, देखो ऐसा तो नहीं कोई बगल में खड़ा है या बाइक लेके आ रहा है स्कूटी लेके आ रहा है। अब क्लच को रिलीज करो हाफ, और राइट का सिग्नल दो, यहाँ से हमें राइट चलना है पहले से थोड़ा सा, हाँ ब्रेक पूरा फ्री होना चाहिए, पैर उस पर रहेगा बट दबा नहीं होना चाहिए बस। ये 4 सिलेंडर की गाड़ी, इतनी इसमें ताकत है कि ये फ्लाईओवर भी विदाउट एक्सीलेटर चढ़ जाएगी, कोई भी गाड़ी चढ़ जाएगी। अब क्लच को फ्री करो, अभी जब मैं बोलूंगा, अब एक राउंड पूरा राइट घुमा दो बस, होल्ड, अभी सीधा कर लो एक राउंड, वेरी गुड, फिर लेफ्ट का सिग्नल दो। इतना हिस्सा निकलने के बाद ये है कि अब आप गाड़ी को टर्न करोगे तो पिछला हिस्सा आपका टकराएगा नहीं। अभी एक राउंड घुमा दो पूरा, अभी सीधा कर लो, फिर स्टीयरिंग देख रही है मैडम, आप स्टीयरिंग क्यों देख रही हैं, गलत है, फिर आप अपनी गलत हैबिट डाल रही हैं, गलत आदत डाल रही हैं, फिर बाद में आपको दिक्कत आएगी, ये बता रहा हूँ मैं, फिर आप स्टीयरिंग की वजह से दिक्कतें होंगी। अब देखो गाड़ी आपकी राइट चली गई है, मैंने जब एक चीज़ मना कर दी तो वो करनी नहीं है आपको। अगर मैंने कह दिया स्टीयरिंग नहीं देखना है तो नहीं देखना है, फिर मैं बैठा हूँ ना, मैं सही कराऊंगा, राइट दबाओ हल्का, राइट दबाओ, मैं आपको उस चीज को सही करा के दूंगा ना, अगर आप मेरी मानेंगी तो। हल्का सा लेफ्ट आओ बस, हल्का राइट रखो, राइट और लेफ्ट आओ, हाँ अभी यहां से आपको राइट टर्न करना है, राइट का सिग्नल दो, लॉन्ग हॉर्न पुश करो, ब्लाइंड टर्न है ना, कोई गाड़ी आ सकती है। अब राइट टर्न करो एक राउंड बस, इससे ज्यादा नहीं,
अभी जब मैं बोलूंगा अब सीधा करो एक राउंड, हो गई सीधी ऐसे, अब लेफ्ट का सिग्नल दो, इसी गली में लेफ्ट जाना है, हल्का सा राइट, पोल को जब गाड़ी आपकी क्रॉस कर जाइए यहाँ तक का, फिर उसके बाद टर्न करना, अभी जैसे पोल को क्रॉस करोगे ना ये, अब एक राउंड घुमा दो, अब सीधा करो एक राउंड, सीधा करो, अब देखो इस बार आपने गड़बड़ करा, सीधा करते टाइम रोक दिया था बीच में, रोका था नहीं रोका था एक सेकंड के लिए, भाई गाड़ी तो चली रही है ना, लेफ्ट जाना है, मैंने क्या कहा, जिस स्पीड से आपने टर्न करा उसी स्पीड से सीधा घुमाओ एक राउंड, बस एक राउंड से ज्यादा घुमा दिया आपने, डेढ़ राउंड कर दिया, इसलिए ज्यादा भी इसमें टकरा जाती, एक राउंड का मतलब है 3/9 पे स्टीयरिंग होना चाहिए, अभी लेफ्ट का सिग्नल दो, एकदम सीधा स्टीयरिंग होना चाहिए 3/9 पे, एक राउंड घुमाने के बाद घुमाइए एक राउंड, ये हो गया 3/9, अब जाने दो, हाँ क्यों सीधा किया आपने, अभी क्यों सीधा कर दिया मैडम, देखो गाड़ी कहाँ जा रही है, ये देखो अब इनके घर में घुस जाएगी, लेफ्ट घुमाओ पूरी स्टीयरिंग फुल, जब जब आप स्टीयरिंग देखती हैं तब तब आपके साथ ये दिक्कत आ जाती है, अभी लेफ्ट घुमाओ पूरी फुल, फुल घुमाइए मैडम, फुल 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 और घुमाओ, ये होता है फुल, डेढ़ राउंड में पूरी स्टीयरिंग घूम जाती है, अब सीधी करो फटाफट जल्दी जल्दी, और आपको समय लगेगा, आप स्टीयरिंग देखने लगती है ना बार बार, कोई नहीं दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं वीडियो कैसा लगा, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, जय हिंद वंदे मातरम।